बावलोग आज बात करेंगे डांस ऑफ द ड्रैगन सिविल वॉर के बाद कौन कौन कैरेक्टर बचने वाला है और किस किस का कितना बड़ा रोल होगा सिविल वॉर के एंड करने के लिए, जिसमें फायर एंड ब्लड बुक की भी हेल्प लगेगी। तो बाबा वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि इससे आपका सीजन 3 और सीजन 4 का मजा खराब हो सकता है, तो जो जाना चाहेगा यहीं से जा सकता है। तो बाबा पहले ही बता दूं, 10 मेजर कैरेक्टर सर्वाइव करेंगे एट द एंड, और भी करते हैं बट ये 10 मेजर कैरेक्टर काफी खास होने वाले हैं। शुरुआत मेन कैरेक्टर से करते हैं, एगोन 3 टारगेरियन, जिसका एकमात्र हाथ रहेगा इस सिविल वॉर को और इस डांस ऑफ द ड्रैगन इवेंट को खत्म करने के लिए। जो रेनीरा और डेमन टारगेरियन का फर्स्ट सन है, वो शादी करेगा एगोन 2 की बेटी जहीरा टारगेरियन से, जो ब्लड एंड चीज किलिंग मोमेंट को सर्वाइव करती है और लास्ट लिविंग ड्रैगन इसी के टाइम पर मरता है। कोई कहता है कि इसने जहर देकर मार डाला, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग जब रेनीरा टारगेरियन को एगोन 2 का ड्रैगन सनफायर खाता है तो ये ड्रैगन से काफी डरने लग जाता है, और जो इसने देखा था वहां पर। बट हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 पे सनफायर मर चुका है और मेकर्स ने स्टोरी में चेंजेस कर दिया है। तो इसी के साथ देखते हैं कि आगे क्या, कैसे रनीरा मरने वाली है और क्या चेंजेस मेकर्स और आगे जाके करने वाले हैं। खैर, टारगेरियन ब्लड लाइन को एगोन 3 और जहीरा कंटिन्यू करते हैं, लेकिन डांस ऑफ द ड्रैगन इवेंट के 2 साल बाद एट द एज ऑफ 10 जहीरा भी मर जाती है और यहाँ एलिसेंट और विसेरिस की ब्लड लाइन पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। थर्ड थी एलिसेंट हाईटावर, ये अंत में पागल जैसी हो जाएगी, क्योंकि इसके बच्चे, इसका लवर, जो भी इसके जितने भी क्लोज था कोई भी, वो सब मारे जाते हैं। और एट द एंड ये खुद को रेड कीप में ही किसी एक चैम्बर में खुद को कैद कर लेती है और अकेले ही रहने लग जाती है, वहां रोती बिलखती रहती है, पछताती रहती है। और डांस ऑफ द ड्रैगन इवेंट के 1 साल बाद ही इसके ये मर जाती है बीमार होकर। देन फोर्थ है विसेरिस 2 टारगेरियन, सेकेंड सन ऑफ रेनीरा एंड डेमन टारगेरियन, जो अपने भाई एगोन 3 और उसके बच्चों की बहुत बहुत साथ देता है आयरन थ्रोन को रूल करने के लिए। हैंड का पद इसे बाद में मिल जाता है, जो अपने भाई को भी सर्व करता है, देन उसके बाद उसके बच्चों को भी सर्व करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि रॉबर्ट रेबेलियन तक इसकी ब्लड लाइन रूल करती है और ये भी किंग बनता है अपनी एज की लास्ट 2 साल में। फिर इसका बेटा एगोन 4 बाद में किंग बनता है और ब्लड लाइन कंटिन्यू रहती है। फिफ्थ इज रीना टारगेरियन, जो सेकंड डॉटर ऑफ डेमन टारगेरियन एंड लेडी लेना वलेरियन है, जो हमें सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में सीप स्टीलर के पास देखने को मिली थी। और मैं आपको बताऊं तो सीप स्टीलर ड्रैगन गॉड्स आई बैटल में डेमन और कैराक्सिस की हेल्प करता है वेगार को मारने के लिए। बाकी बैटल्स में भी सीप स्टीलर पार्टिसिपेट करता है ब्लैक्स की तरफ से, तो ये भी सर्वाइव करती है और 2 शादी करेगी लास्ट में एट द एंड ऑफ सिविल वॉर, जिसके बाद 6 बच्चे भी होते हैं इसके। देन 6th and 7th है बेला टारगेरियन एंड एलिन ऑफ हल। बेला टारगेरियन फर्स्ट डॉटर ऑफ डेमन टारगेरियन एंड लेडी लेना वलेरियन, ये भी सर्वाइव करती है, लेकिन सनफायर से लड़ते वक्त मून डांसर, जो इसका ड्रैगन है, उसे खोना पड़ जाता है। जब सनफायर रनीरा को मार देता है उसके बाद ये लड़ाई होती है। बेला टारगेरियन बाद में एलिन ऑफ हल से शादी कर लेती है और एक अच्छी लाइफ जीती है एलिन के साथ। एलिन ऑफ हल, जिसे कॉलिस वलेरियन अपना एयर बनाना चाहता है, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 आपने शो में देखा होगा, जिसने उसे रिफ्यूज कर दिया था, लेकिन बुक में वो ड्रिफ्ट मार का लॉर्ड बन के काफी अच्छा जीवन बिताता है, अच्छी लाइफ जीता है। और इस डांस ऑफ द ड्रैगन इवेंट के बाद वो भी एक बंदा है जो सर्वाइव कर गया था। बाद में एगोन 3 के बेटे डेरन टारगेरियन की ये हेल्प करेगा, कहां पर, जब डॉन से लड़ाई होगी उसकी। और एकमात्र डेरन द यंग ड्रैगन, वो एक बंदा था जिसने डॉन को जीता था और इस पे एलिन ऑफ हल ने काफी अच्छा हेल्प करी थी अपनी नेवल आर्मी से और अच्छा कमांडर भी था। 8th था कॉर्लिस वलेरियन, जो सरवाइव करता है डांस ऑफ द ड्रैगन इवेंट के बाद और इसी का मेन हाथ होता है एगोन 2 को जहर देकर मारने में, जिसमें इसका साथ क्रेगन स्टार्क, जिसे आपने सीजन 2 के स्टार्टिंग में देखा होगा, जब जकैरिस वलेरियन उससे अपनी तरफ से लड़ने के लिए कह के आता है और वो प्रॉमिस भी करता है कि स्टार्क्स के 2000 सैनिक ब्लैक्स की तरफ से लड़ेंगे और वो अपनी दोस्ती भी निभाता है एट द एंड। साथ में इस मुहिम में लॉर्ड लैरिस स्ट्रॉन्ग भी शामिल होता है और कहते हैं कि इन तीनों ने मिलकर एगोन 2 को जहर दिया था। 9th है टाइलैंड लैनिस्टर, भी इसमें बसता है, इस डांस ऑफ द ड्रैगन इवेंट के बाद सर्वाइव करता है, जो ट्रायार्की से मदद लेने गया था, 90 ships लेकर आ रहा है ग्रीन्स की तरफ से, लेकिन बुक में ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ पर भी मेकर्स ने कहानी में कुछ उलट फेर करा है, यानी चेंजेस करे हैं। देन 10th है एलिस रिवर्स, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डांस ऑफ द ड्रैगन इवेंट के बाद, ये भी सर्वाइव करेगी, जो आगे जाकर एमंड के बच्चों की मां बनने वाली है। जब किंग्स लैंडिंग में रनीरा के कब्जा हो जाएगा तब एमंड हैरन हॉल पर कब्जा कर लेगा। और एलिस रिवर ये वही कैरेक्टर है जो इंटायर हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 में डेमन के साथ देखने को मिला था, अ नर्स, अ विच, जिसने डेमन को गॉड सीरी पर हाथ रखकर फ्यूचर विजन भी दिखाया था। और ये बाद में जब सारी टारगेरियन ब्लड लाइन खत्म हो जाती है उसके बाद ये अपने बच्चे को
एयर बताती है, राइटफुल एयर, कि अब कोई नहीं है तो मेरा बच्चा क्या कहते हैं आयरन थ्रोन पर राज कर सकता है। दैट्स वाई कि वो करेक्टर इंपॉर्टेंट है। बाकी भाई ये दस मेजर करेक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आफ्टर द सिविल वॉर, आफ्टर द डांस ऑफ द ड्रैगन। तो भाई ये थी वीडियो, कैसी लगी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, और आपके हिसाब से आपको क्या उम्मीद रही थी कि कौन बच सकता है, क्योंकि भाई मेकर्स ने काफ़ी चेंजेस कर रखे हैं डांस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 पे बुक्स के अकॉर्डिंग। बुक्स में बहुत सी कहानी चेंजेस हुई है यहाँ पर शो में, तो देखते हैं कि क्या और चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये सारे जो करेक्टर्स बताए गए हैं ये अकॉर्डिंग टू बुक्स हैं जो सर्वाइव करते हैं, 10 मेजर करेक्टर। बाकी और कुछ भी है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। नेक्स्ट वीडियो किस पे बना सकते हैं वो भी जरूर बता के जाना। और यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।